ओ सॉरी, यहाँ तो ये दारू पीने का अड्डा। इस चेहरे को आप देखिए, बच्चों वाले। और अभी हम लोग इस महल के सबसे टॉप पे आ चुके हैं। सामने से 180 डिग्री का व्यू आप देख रहे हो घर बैठे। हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो अभी हम लोग निकले वांगड़ जाने के लिए, और अभी हम लोग रास्ते में वांगड़ से हम लोग बस 25 किलोमीटर अप्रोक्स पीछे ही हैं। और आप पीछे देख सकते हो हमारी गाड़ी लगी हुई है। जूम कार से मैंने ये कार ली है 42 आवर्स के लिए। ये मुझे बहुत सस्ते में डील मिल गई मुझे। ये हम लोग को बस 2500 रुपये में मिली है विथ फ्यूल, समझ रहे हो आप। तो चलिए, और हमने यहाँ पे कुछ शॉट्स लिए, तो आप वो इन्जॉय कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं आप। और यहाँ पे फुल फोटोबाजी हो रही है। ये सामने वाला बंदा, ये फोटोग्राफर, और ये स्नैपचैट की बुखर, और ये प्रो लेवल के फोटोग्राफर। और ये सामने का व्यू हमारा। और इधर नेक्स्ट लेवल का फोटोग्राफी चल रहा है फ्रंट कैमरा से। देख सकते कितने महान महान फोटोग्राफर हैं यहाँ पे। और वो फोटो खिंचवाने के लिए बाबली हो रही है वहाँ पे, वो दिव्यानी दी। अरे बटन दबा दोगे वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन डीसी और इस सामने बहुत खूबसूरत है। रुक जाना। नेक्स्ट लेवल प्रो फोटोग्राफर, जमीन पे सो सो कर फोटो खींच रहा है ये बंदा। नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी। नहीं यार, थोड़ा सा देर दिखा रहा। एक्सपीरियंस बताओ भाई, इतना अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ से सीखे तुम? खुद से आ गया भाई। और अभी बकरियों का कब्जा हो चुका है रोड पे, तो आप देख सकते हैं एकदम। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुँच चुके भांगर फोर्ट। तो चलिए चलते हैं अंदर, और हम लोगों ने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग भी की है। तो चलिए, ये रहा भांगर फोर्ट का एंट्रेंस, और उधर बंदर मामा अपना पूरा मस्ती करते हुए। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं भांगर फोर्ट के अंदर, और अंदर का दृश्य दिखाते हैं कैसा है। और यहाँ पे बंदर भी बहुत ज़्यादा, तो हम लोग को अलर्ट भी रहना पड़ेगा, कहीं मोबाइल फ़ोन ना लेके भाग जाए। तो चलिए अंदर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट। तो हाँ जी, तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर आए हैं, और देख सकते हैं एंट्रेंस के थ्रू हम लोग अंदर आए, और यहाँ पे पूजा चल रही है अभी। और दो टिकट काउंटर भी बने हुए वहाँ पे, पर व्यक्ति के हिसाब से 20 रुपये लगते हैं। तो चलिए हम लोग टिकट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे जो टिकट आप ऑनलाइन लीजिएगा, तो यहाँ पे स्कैन होता है वो टिकट का क्यूआर कोड आपका। तो चलिए चलते हैं हम लोग, अब एंट्री करेंगे थोड़ी देर में अंदर में। और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है भानगढ़ का, और इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और अभी हम लोग भानगढ़ फोर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो चलिए, और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हैं भांगड़ फोर्ट के अंदर, और नज़ारा आप देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल है। और अंदर गाय भी चल रही है। आप ये जितना भी ये देख रहे हो, इमारत बना हुआ था पहले, ये सारा टूट चुका है। और ये पहले महल ठीक सामने, और महल के बाहर ये बैठने उठने का जगह था ये। और देख सकते हो कितना ही लाजवाब लग रहा है। हम लोग इस रास्ते से होते हुए महल की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं महल की तरफ। और इस जगह की मैं क्या ही तारीफ करूँ, मेरे पास जितने वर्ड है सारे कम है इस जगह को एक्सप्लेन करने में। तो चलिए चलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो बहुत ज़्यादा ही है, तो चलते हैं पहले महल में। मेरे ठीक सामने देख सकते हो, चलिए मिलते हैं वहीं पर। और यहीं पे जितना भी युद्ध हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था, और वो सबसे भूत जिसको बोलते हैं, वो वाला सामने ट्री है। और हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और जितना ये सब देख रही है सारे चीज़ रूम हैं, पहले के ज़माने में रहते होंगे यहाँ पे। तो चल रहे हैं हम लोग, और ये देख सकते हो इसके अंदर हम लोग जाने का ट्राई करेंगे। हॉरर बनेंगे आज, हॉरर।
लेकिन गट्स नहीं है किसी को जाने के अंदर। और ये जो मेरे ठीक सामने आप जो पेड़ देख रहे हो, ये दीवार के बीच में ये पेड़ है, ये पहले छोटा सा ही था लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया, अब दीवार के बीच में हो गया है ये। और यहाँ पे देख सकते हो पेड़ पे ही दारू का बोतल वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। और अभी हम लोग भैरव बाबा का मंदिर में एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ पुरानी इतिहास भी लिखी हुई है वहाँ पे सामने, हम लोग उसको इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए और मेरे ठीक सामने आप देख सकते हो गोपीनाथ का ये मंदिर है और यहाँ का दृश्य देखिए, और सारे लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने में लगे हुए हैं। ये सामने वाला प्रो फोटोग्राफर प्रो। और आप देख सकते हो कितना ही सुहाना लग रहा है। और एक मेरे ठीक सामने भी एक वहाँ पे एक मंदिर है, हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर की बातें क्या है क्या नहीं। और वहाँ पे मंदिर का आप जर्जर स्थिति देख सकते हो, ये पूरा रेड ग्रेनाइट से बना हुआ मंदिर है। और यहाँ का हालत देखिए पूरा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पे। और देखिए हम लोग फोर्ट के अंदर जाने वाले हैं, और ये हंटेड तो नहीं है लेकिन ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी हम लोग चल रहे हैं इस महल के अंदर और यहाँ का नज़ारा आप देखिए। बिल्कुल दिस इज फकिंग वैनगार्ड फोर्ट व्हिच हैज नो गो। डीसी वहीं रुकना भाई। इस चेहरे को आप देखिए, बच्चों वाली पूरा हरकत है। नाम लिख लो, कुछ ही नाम लिख लो, कुछ ही कुछ ही। अरे कोई नहीं, बंद कर दे क्या दोनों फोटो नहीं फिक्स करेंगे लेकिन। और यहाँ पे देख सकते हैं तीन लोगों को जो कि रानी रत्नावती का गुफा था उसमें घुसने का प्रयास कर रही है तीनों। दारू पीता है सब बैठ के। ओह सॉरी, यहाँ तो ये दारू पीने का अड्डा बना हुआ है रानी रत्नावती का हवेली का ये जगह। आई एम रियली सॉरी, ये खोपचा जगह लग सकता है। और जो अभी मैंने आपको वो जगह दिखाया, वो जगह पे बस दारू पिया जाता है, गांजा पिया जाता है, सिगरेट पिया जाता है। और हम लोगों को ऊपर चढ़ना है तो हम लोग ऊपर चल रहे हैं, सांसें चढ़ रही हैं, तो चलते हैं। सामने से 180 डिग्री का व्यू आप देख रहे हो घर बैठे बैठे। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। और ये हमारे डीसी भाई हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं फोर्ट के अंदर और यहाँ से बस बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। और ये देखते हैं ये है क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो गांजा का स्मेल आ रहा है। सिर्फ एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पे कुछ प्राचीन पत्थर भी रखे गए हैं। और जस्ट मंदिर के पीछे आप देख सकते हो पहाड़, इसे हम लोग चढ़ने का जरूर ट्राई करेंगे और साथ में इनको जरूर चढ़ाएंगे पहाड़ पे, क्योंकि इन्हीं को बहुत ज़्यादा मन कर रहा है पहाड़ पे चढ़ने का। और अभी हम लोग को ये जगह दिखा है, पता नहीं है क्या, तो हम लोग इसमें चलते हैं और देखते हैं क्या है। और यहाँ पे तो कुछ नहीं है और हमने फ्लैश ऑन किया है ये सर। और यहाँ पे किंग फिशर का डब्बा है अबे। और अभी हम लोग ऊपर आए और इस पे थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा ही थक गए हम लोग, बैठने जा रहे हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। नाक बंद कर लिए। और अभी हम लोग भांगड़ के सबसे टॉप पे चढ़ रहे हैं और यहाँ का जगह आप देख सकते हो ये पत्थरों का काट के बनाया गया है यहाँ पे। तो चल और इस फोर्ट पे भी आशिकों का बहुत ज़्यादा ही कब्जा है और देख सकते हो ये पूरा महल ध्वस्त हो चुका है और यहाँ कोई भूत वूत नहीं रहता है, सब भ्रम है। चूड़ी सी भाई भूत रहती है इधर, सब बात ख़त्म हो गई अब।
बस यही था यहाँ पे, और थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो चलिए टाटा बाय बाय। और ये सबसे लास्ट अंदर का हाल देख सकते हैं आप, कितना ही डरावना लग रहा है ये, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। आप देखिए क्या हाल हो गया है, देख सकते हो भाई। और अभी हम लोग अंदर में चल रहे गुफाओं में, देखते हैं आज हमें भूत मिलेगा या नहीं। कोना कोना देख रहे हैं हस। और अभी हम लोग इस महल के सबसे टॉप पे आ चुके हैं, यहाँ तक कोई नहीं आया होगा आज तक। और ये आप देख सकते हो राजा महाराजा का ये कमरा हुआ करता था एक वक्त में, जो कि ऊपर से टूट चुका है। और यहाँ पे पत्थर के अलमीरे बना गए हैं यहाँ पे तीन तीन, और वहाँ पे एक लकड़ी का सपोर्ट भी दिया गया है चारों तरफ, आप देख सकते हो। उस वक्त में ये महल क्या लग रहा होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, कितना ब्यूटीफुल लग रहा होगा ये। जो उस वक्त बाहर निकलने के बाद ये गैलरी हुआ करता था, जो कि राजा महाराजा अपना वॉक कर सके यहाँ पे। और इधर का भी वही हाल हो चुका है, इधर का पूरा महल टूट चुका है आप देख सकते हो। वहाँ पे भी सामने में रूम वगैरह था जो कि पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और अभी हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं, तो चलिए। और अभी हम लोग आपको दिखाते हैं राजा महाराजाओं के वक्त का मंदिर, तो चलिए देखते हैं। जाने का रास्ता देख सकते हो, पहाड़ ही पहाड़ हैं टूटे फूटे। और देख सकते हो सारा दीवाल उवाल जो मंदिर था वो सारा टूट के यहीं पर रखा हुआ है। मंदिर पे कौन लगता है कौशिक और खुश। और ये देख सकते हो राजा महाराजा के वक्त का ये मंदिर है, जो कि अभी भी कुछ लोग आते हैं पूजा करते हैं। अब देख सकते हो वहाँ पे झंडा भी है, चुनरी भी है, एक भगवान का फोटो भी बनाया गया है अंदर से, आप देख सकते हो। हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सभी का। तो आपने ब्लॉग इंजॉय किया ही होगा, आई विश जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपना पूरा फुल दिया ब्लॉग बनाने में। और यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा ही है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं जब वापस जयपुर के लिए, तो चलिए।